अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका मेज़बान रिजवान इकबाल और आप देख रहे हैं रिजवान के व्लॉग्स। और इंशाल्लाह हमने सलाबतगान के लिए कैंप लगा दिया है चुंडा शोदा की बस्ती में, चुंडा शोदा पार्क के बाहर। तो उम्मीद करते हैं कि जिस हद तक भी हो सका सलाबतगान की मदद के लिए चुंडा और गिरदोनुआ के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। राना जो ऐसा पहुंच चुके हैं अदनान भट्ट का, हम वेट कर रहे हैं जनाब। इंशाल्लाह अमीद है जल्दी वो भी पहुंच जाएंगे। 9 बजे का टाइम दिया था और टाइम हो गया 9:20, 20 मिनट लेट हो चुके हैं और हम सुबह 6 बजे से बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह इस ब्लॉग में आपको बताते चलेंगे साथ साथ कि क्या क्या राशन हमारे पास पहुँचा है और आज शाम को ये अपलोड भी कर दिया जाएगा। साहब जनाब आ चुके हैं और सलाबतगान सुल्फर बाजवा साहब और भट्ट साहब जो हैं बड़ी जल्दी से, यानी कि आधे घंटे में उन्होंने ये फ्लैग्स जो है रेडी करवाए हैं और कैंप में पहुंच गए हैं। सलाबतगान के लिए हम दादी कैंप में सबकात एहतियात फरियात और खुश्क राशन जमा करवाएँ। हम दादी कैंप बराए सलाब मुतासरी हज़ारों बेघर अफराद के लिए खुले आसमान तले आपकी मदद के मुंतजर हैं। मंजाना बहले यानी चुंडा, यहाँ पे शोदा चुंडा पारे के बाहर हम बैठे हुए हैं। आए हम सब मिलकर उन भाइयों की खिदमत के लिए निकलें जो हमें पुकार रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि चुंडा मेन बाज़ार से हम जो है वो फंडिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द ही इसकी अशिया वगैरह ख़रीदी जाएंगी और इंशाल्लाह जिसमें हम एक थैला बनाएंगे जिसको 14 से 15 किलो तक का वेट होगा जिसका, और जिसमें हम चावल, दालें, चीनी, अचार, सूखा दूध और उसके अलावा हरी मिर्च, मसाला जात, ये सारी चीज़ें उसमें जो है ना वो रखेंगे इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जो है खुशक दूध जो है उसके 7 डब्बे होंगे, पानी की बॉटल्स होंगी, तो ये सारा एक पैकेज जो है वो तैयार किया जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा बाज़ार दिखाएंगे जिधर से हम फंडिंग करेंगे। अभी हम मेन बाज़ार में पहुँच चुके हैं जी। शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।